अभी तक हम सबों ने आरंभिक बाल शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी विचारकों के विचारों को देखा है। अब बारी है भारतीय विचारकों के विचार पर गौर करने का। भारतीय विचारकों ने भारतीय परिदृश्य में आरंभिक बाल शिक्षा के प्रति क्या कुछ विचार दिया है, तो इन विचारकों में कई नाम हैं, जिसमें गिजुभाई बधेका, कृष्णमूर्ति, ताराबाई मोदक, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके अलावे महर्षि अरविंद एवं महात्मा गांधी का भी नाम इस क्षेत्र में लिया जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोग चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं आज गिजुभाई ने क्या कुछ आरंभिक बाल शिक्षा के संबंध में कहा है और उनकी कृति क्या है आरंभिक बाल शिक्षा के क्षेत्र में। तो चलें बोल। गिजुभाई बधेका, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। आरंभिक बाल शिक्षा के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने इस संदर्भ में एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम दिवा स्वप्न है। गिजुभाई बधेका ने अपने काल में बच्चों को सामान्य रूप से स्वच्छता, सामाजिकता तथा अन्य मौलिक अधिगम शैली में अव्यवस्थित पाया। अतः विद्यालय पूर्व शिक्षा में सर्वप्रथम रूप से उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को उनकी स्वाभाविक रुचि जैसे कथा कहानियाँ, गीत संगीत, खेल नाटक जैसी क्रियाओं से जोड़कर उनके मौलिक जीवन कौशल को व्यवस्थित दिशा प्रदान की जाए। साफ सफाई, शिष्टाचार, सामाजिक गुण जैसे मित्रता आदि जीवन कौशल बच्चों के आरंभिक जीवन काल के सहज स्वाभाविक विकास का अभिन्न अंग हैं, जिन्हें खेल खेल में बातचीत और कहानियों द्वारा सुनियोजित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। गिजुभाई बधेका ने अपने व्यवहारिक प्रयोग तथा पुस्तक दिवा स्वप्न में भारतीय परिवेश में बच्चों की स्वाभाविक परिस्थितियों एवं प्रकृति को ध्यान में रखते हुए स्थानीय भाषा, स्थानीय खेल को उद्दीपकों के रूप में स्थान दिया। विशेष रूप से उन्होंने प्रचलित कहानियों का आधार बनाकर भाषा एवं अन्य विषयों को जोड़ने पर बल दिया। तो गिजुभाई बधेका ने एक पुस्तक लिखी है आरंभिक बाल शिक्षा के संदर्भ में जिसका नाम है दिवा स्वप्न, और कई व्यवहारिक प्रयोग उन्होंने किए अपने जीवन में और उन्होंने पाया कि आरंभिक बाल शिक्षा जरूरी है। और आरंभिक बाल शिक्षा का मतलब यह है कि स्कूल पूर्व के बच्चों की शिक्षा। उन्होंने स्कूल पूर्व के बच्चों को जो शिक्षा मौलिक रूप से प्राप्त होना चाहिए उसमें अव्यवस्थित पाया था, और इस ओर उन्होंने कई व्यवहारिक प्रयोग करके देखा तो नतीजे अच्छे आए और उन्होंने माना कि आरंभिक बाल व्यवस्था के बच्चों को शिक्षा दिया जाना चाहिए, लेकिन उनके शिक्षा का माध्यम कथा कहानियाँ, गीत संगीत, खेल नाटक होने चाहिए। साथ ही स्थानीय भाषा एवं स्थानीय खेल को उद्दीपक के रूप में लिया जाना चाहिए, अर्थात स्थानीय खेल और स्थानीय भाषा को ही स्थान दिया जाना चाहिए कथा कहानियाँ, गीत संगीत, खेल नाटक को माध्यम के रूप में अपनाते हुए। तो ये विचार थे गिजुभाई बधेका के। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।